मिल्क इज क्वालिटी मिल्क, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो ऐसे जमाने में हमको ये भी सोचना चाहिए कि हम खाली दूध पे रिलाई कर सकते क्या, ओनली ऑन मिल्क हम उसको भरोसा कर सकते हैं कि आप बच्चे को कुछ नहीं देंगे तो चलेगा? नहीं, वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर और हमको बहुत सोच के करना चाहिए। क्वालिटी चीजें अगर आपने बचपन से किसी बच्चे को खिलाया है तो उसको क्वालिटी चीज खाने की आदत होगी और वो उसका पैटर्न बन जाएगा और वो उसको ग्रोथ में भी हेल्प करेगा, उसके डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। अभी एक बात, एक सर्वे हुआ था और ये मालूम किया गया कि बच्चों को जो लो क्वालिटी फूड लेते हैं और जो प्रॉपर क्वालिटी के फूड नहीं लेते उससे उनको क्या तकलीफ होती है, उससे उनको कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, जो हार्ट के नसों की बीमारियां हैं वो आम हो गई बच्चों में आम हो गई। कभी तो ये सोचा जाता था कि जो सिगरेट पीता है 50 साल का आदमी हो गया है अब उसको हार्ट की बीमारी होगी करके, मगर अब तो ये देखा गया है कि 7 साल 8 साल के बच्चों का भी आप पेपर में भी देखते हो, न्यूज में भी देखते हो कि उसका जो है वो इसके हार्ट के नस का उसमें कुछ तकलीफ हुई, उसका ऑपरेशन हो गया। तो ये बच्चा सिगरेट नहीं पिया, ये बच्चे के बट उसकी जो डाइट थी वो प्रॉपर नहीं थी, उसका जो न्यूट्रिशन था वो प्रॉपर नहीं था, इसके लिए उसका डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हुआ और इसीलिए उसको ऐसे ऑपरेशन की जरूरत पड़ी। बॉवल डिजीज, अभी इंटरसेप्शन बहुत कॉमन हो गया, इंटेस्टाइन की बीमारियां बहुत कॉमन हो गई बच्चों में, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस डिजीज इन चिल्ड्रन, ओके। फिर पुअर बोन डेवलपमेंट, आप जिसको पूछो, आप 25 साल का लड़का जवान लड़का है या 20 साल की जवान लड़की, 21 साल की जवान लड़की, पाए दुखता, गुड़गे दुखता, गुड़गे दुखता, जब हम छोटे थे तो गुड़गे दुखता हमारे न पेरेंट्स ने बोला न हमारे पेरेंट्स के जनरेशन ने किसी ने बोला, यानी काका मामा चाचा पापा लोग। डेंटल कैरिस, इतना कॉमन है डेंटल कैरिस, अभी आप बोलोगे टूथपेस्ट नहीं यूज करता होगा, 20 साल पहले टूथपेस्ट इतना था ही नहीं, 20 साल पहले टूथपेस्ट को टूथपेस्ट नहीं बोला जाता था, एक ही ब्रांड का नाम लिया जाता था इंडिया में, बॉम्बे में कोलगेट लगाया कि नहीं पूछते थे, डेंटल क्रीम लगाया कि नहीं पूछते थे, बिकॉज देयर वाज ओनली वन ब्रांड। और उससे और 5 साल पहले लोग नमक लगाते थे, आज भी आपने देखा कि वो नमक वाला आपके पास में है तो आपको बॉक्स मिलता है, गिफ्ट मिलता है, तो उससे पहले तो लोग नमक लगाते थे, तो जो लोग नमक लगाते थे, नमक और हल्दी दांत में लगाते थे, उनके दांत में कैरिस नहीं था, मगर आज के बच्चों के दांत में कैरिस है। ये सर्वे बता रहा हूं मैं, जो सर्वे हम लोग बात कर रहे हैं ऊपर आप अगर देखोगे तो सर्वे के बारे में बात कर रहा हूं, ये सर्वे हुआ है और सर्वे में ये देखा गया कि डेंटल कैरिस इज बिकम वेरी कॉमन पूरे बॉम्बे में, एक देन स्किन एंड हेयर प्रॉब्लम, एनी बडी यू आस्क बाल गिरते हैं, बहुत गिरते हैं, ऐसे में कंघे लगाती हूं तो कंघे भर के आते एज इफ, उनके कंघी को आप देखोगे तो आपको भी ऐसा लगेगा कि मालूम नहीं ये बाल चिपका के रखे हुए कुछ है जो खाली थोड़ी ताकत लगाने से निकल जाते, टूट जाते, गिर जाते। नो, दिस इज नॉट बिकॉज कुछ प्रॉब्लम ऐसा हो गया, कुछ प्रॉब्लम ऐसा है कि डाइट हमारा बराबर नहीं है, न्यूट्रिशन हमारा बराबर नहीं, हम खाते बहुत है आज मगर हमारा जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, डाइट हमारा बहुत है मगर न्यूट्रिशन, उस डाइट के अंदर न्यूट्रिशन नहीं है या एंटी न्यूट्रिएंट है, ये प्रॉब्लम है। कुछ ये फैक्टर्स है जिसकी वजह से डाइट की क्वालिटी इफेक्ट कर गई। एक तो जैसे मैंने आपको बताया कि मिल्क है तो मिल्क एडल्ट्रेटेड है, उसके अंदर मिलावट है, चावल है तो हम वो चावल नहीं खाते जिसके अंदर कुछ न्यूट्रिशन है। लेट मी आस्क यू वन मोर थिंग, व्हाट इज द एक्चुअल कलर ऑफ शुगर? ब्राउन? नहीं, शुगर, एक्चुअल कलर ऑफ शुगर? नहीं, नॉट गुड। गुड इज अ रेसिड्यूअल। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द एक्चुअल कलर ऑफ शुगर?
which is exported. Which is, that sugar is exported. Simple example. Bahar jao sugar cane juice ka wo hai. Aap usko uthao aur roshni mein dekho. Jo light green color dikhta hai, that is the actual color of sugar. Phir uske andar kuch aise dal ke hum usko wo kar dete aur usko white color kar dete. Why do we do? I don't know. Kya usse humko fayda hota hai? Mujhe nahi maloom. So, deteriorating sa quality food. Quality food jo hai, uska deterioration ho gaya. Isliye, hum jo pehle slide mein dekhe the, ye sab bimari hamare bachchon ko hai. Ye bimariyan sab kyun hai? Kyunki ye char factor hai. Understood? Am I clear to it? Ye sari bimariyan kyun hai? Kyunki ye char factor hai. Usme pehla factor kya hai? Pehla factor, quality of the food jo hai, wo barabar nahi. Abhi banana. मैं आपको पूछूंगा, आप किसी को पूछिए, 50 लोग आपके साथ में खड़े, आप सबको पूछिए, आप फ्रूट खाते सब बोलेंगे हाँ रोज खाते, क्या खाते तो केला. बनाना, बनाना इज टेकन कॉमनली ओके एज अ फ्रूट, मगर बनाना की हकीकत क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल, जो क्वालिटी आज जो मैं समझता हूं आज बनाने की क्वालिटी वो नहीं है जो आज से 20-25 साल पहले थी. बिकॉज banana was 20 years back, banana was annual fruit. Sorry, seasonal fruit. It was seasonal fruit. Thandiyo mein jo hai wo fruit banta tha. Aaj banana jo hai aapko saal ke 12 mahine milta hai. Pehle zameen itni thi, ab upar wale ne bada diya, aisa kuch hai? Nahi, zameen itni hai. Isn't it? To jo cultivation banana ka jidhar hota tha, udhar hi hota hai. थोड़ा बहुत जगह ज्यादा हो गई, थोड़े बहुत कम, यानी ज्यादा प्लॉट ले लिया होगा, वो एक अलग बात. बट उसी प्लॉट के अंदर आज बनाने का कल्टीवेशन दिन साल में 4 मरतबा होता है. साल में एक मरतबा जो बनाना ग्रो होता था, तो जो जमीन से प्लांट खींचता था सब चीजें, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट जो सब जमीन से खींचता था, वो अभी खाली 3 महीने में खींचता है. ओके तो 3 महीने में उतना खींच सकता है जितना साल भर में खींच सकता है? नॉट पॉसिबल. द क्वालिटी ऑफ फ्रूट वॉज गॉन डाउन, उसका जो क्वालिटी है वो नीचे हो गया. और दूसरी बात, हमको भी ऐसी आदत है कि अगर एक ही गाड़ी के ऊपर 24 रुपये डजन, 18 रुपये डजन और 16 रुपये डजन का केला होगा, तो वी गो एंड स्टैंड एट 16 रुपया. We are also in habit of buying little cheap things. वैसे तो on the whole केला जो है वो annual हो गया है, इसलिए उसकी अपनी quality मार खा गई. उसके बावजूद भी हम quality conscious नहीं है. फिर commercial pressure to eat processed food. Commercial pressure क्यों बोलता हूं मैं इसको? आपका बच्चा अगर स्कूल जाता है और आप अगर उसको 10 रुपए देते हैं तो 10 रुपए में उसका नाश्ता हो जाता है, उसमें वो एक खाने की चीज भी खा जाता है और पीने की चीज भी मिल जाती है उसको. तो हम कम खर्च में काम हो जाता है ऐसा हमारा होता. अगर हम सोचते हैं कि घर से कोई चीज उसको देंगे तो चाहे 15-20 रुपए लगेंगे. बच्चा एक पहले कुछ डेरी मिल्क चॉकलेट जो है वो ऐसा होता था कि वी यूज टू ईट ओकेजनली. कोई सेलिब्रेशन है, कोई फेस्टिवल है, या हमने कुछ एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स लिए हैं, तो वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमारे पेरेंट्स जो है वो हमको डेरी मिल्क चॉकलेट देंगे. उस टाइम पे डेरी मिल्क चॉकलेट कॉस्टली लगता था. उस टाइम पे भी डेरी मिल्क चॉकलेट जो है वो ऐसे कुछ 10-12 रुपए का आता था, मगर 20 साल पहले 10-12 रुपए की वैल्यू बहुत ज्यादा थी. Now you see over a period of 10 years the cost is same. 10 rupiya hai. Samjhe? To kam kya hua hoga? Quality kam hui hai. If the cost is same for last 10 years to kam kya hua hoga? Quality. Aaj aapko do opportunity, do chance.
एक एडवर्टाइजमेंट देता है, एक बॉल उसके दिमाग में आता है, दरवाजा खुलता है, लड़की आती है, तो एक बॉल दिमाग में आता है, फिर अंदर आता है, फिर उसको दूसरा ख्याल आता है, दूसरा बॉल उसके दिमाग में आता है, तो वो 5 रुपए का मिलता है। सुनिए, नॉट ओनली क्वालिटी, क्वांटिटी भी कम हो गई, मगर बच्चे को आप 5 रुपए का वो चीज देके दो, इज हैप्पी, और साथ में